जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेसिकली हम सब वन विभाग वालों का ना एक मतलब रोग लग जाता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपको हमेशा पेड़ पौधों के पास रहना अच्छा लगता है, तो आपका ये डेली का एक रूटीन बन जाता है। जैसे कि हम छुट्टी में आए हो, जैसे कि अगर ड्यूटी पर रहते हैं तो पेड़ पौधा के आसपास में ही लगभग आदमी रहता है। छुट्टी पे आए हैं तो मुझे घर में रहना चाहिए, जब भी मुझे टाइम मिलता है, अगर हम कोई काम नहीं है तो अपना हम छुट्टी पेड़ पौधों के पास ही बिताते हैं। और बेसिकली हम इस वीडियो में एक मनोरंजन कुमार नाम करके एक हमारे फ्रेंड थे जो एक कमेंट किए थे, जो भाई आप दिल पे हाथ रख कर ये बोलिएगा कि आप कितना पैसा दिए हुए थे, सेटिंग में आप कितना पैसा दिए हुए थे। तो देखिए भाई, हम अपना बता रहे हैं तो कुछ बच्चे अगर सिपाही हैं तो कुछ पढ़े लिखे भी जाते हैं, ये नहीं जो सब सेटिंग वाले जाते हैं। और दूसरी बात है जो सेटिंग कैसा भाई, किसके मतलब पापा मम्मी को थी है जो वो 10 लाख 15 लाख रुपया दे देगा? आपको सैलरी मिलता है 32,000 33,000 रुपया, तो कौन महीने एक मतलब अगर आपसे एक साल कमाते हैं तो आपका सैलरी लगभग 3.5 4 लाख के आसपास में होता है, तो उतना कोई क्यों खर्चा करने जाएगा? सब कोई चाहेगा जो कम ही में हो जाए। इस बात को हम आपका मानते हैं, जो सेटिंग होता है तो कैसे होता है इस चीज़ को हम बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम अपने बिहार फॉरेस्ट पुलिस का हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो जैसा कि आप सब जानते हैं जो इसका जो मेरिट होता है रिटर्न पे बनता है, ठीक है, रिटर्न पे बनता है। तो इसमें ये होता है जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन आउट हो गया, तो उस समय बच्चा पूरा क्वेश्चन आउट हो गया तो उसको एक बार देख लेगा, क्योंकि सब बच्चा थोड़ा थोड़ा पढ़ा लिखा जरूर होता है। लोग क्वेश्चन आउट हुआ, क्वेश्चन को लिया, मैंने जिस जो उसका आंसर शीट है और ले जाकर रंग दिया, इसमें तो कोई बनाना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव पेपर तो नहीं है, रंग दिया तो उससे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात को मान सकते हैं जो कुछ खर्चा हुआ किया होगा 10,000 20,000, क्वेश्चन आउट हुआ होगा ले लिया होगा, ठीक है। लेकिन कोई ये बोले जो लाख में कोई रुपया दे रहा है तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। हमें लगता है जो सेटिंग का मतलब यही होता है बिहार में, ये क्वेश्चन आउट हुआ, अगर आपको मिल गया तो आप जाकर रंग दिए, आपका रिजल्ट हो गया, बस यही है। रहा बात मेरा, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला हुआ था, ठीक है। 16 दिसंबर को जो पेपर था, हम ये फॉर्म भरे थे, किसी को बताए तक भी नहीं थे जो हम इसका एग्ज़ाम देने वाले हैं, और मुझे इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था। तो बस गए एग्ज़ाम दे दिए, संजोग से इसका रिजल्ट आ गया, क्योंकि हम जब दिए थे तो हम कांस्टेबल वाला और फॉरेस्ट वाला दोनों का एग्ज़ाम दिए थे, तो मुझे ज़्यादा चांसेस लग रहा था मेरा फॉरेस्टर में हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा सही किए थे, लेकिन उसमें नहीं हुआ, इसमें सही हो, इसमें मेरा हो गया। तो यही है, यहाँ पे क्वेश्चन आउट होता है, अगर आउट होता है तो जिसको मिल जाता है, जिसका आगे तक पहुँच होता है तो क्वेश्चन ले लेता है, जैसे कि वो 100 में से 99 को रंग दिया तो उसका 99 सही हो गया, अगर कुछ रुपये खर्चा कर दिया तो। इस हिसाब से सेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है। और रहा बात मेरा, तो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं मिला हुआ था, और मेरा जो एम है वो सिपाही बनना नहीं था, मुझे तो BPSC क्वालिफाई कर, मुझे तो बहुत बड़ा अधिकारी बनना है। तो आप बोलिएगा जो आप केवल बोलते हो, करते नहीं हो। इसका मेन रीज़न ये है कि हम मेरा मैथ ऑनर्स था, तो मैथ ऑनर्स मेरा था तो उसमें, अरे यार मेरा बालवा कितना उठ जा रहा है, मेरा था मैथ ऑनर्स, ठीक है। तो मैथ ऑनर्स था तो बीच में मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम चले गए थे, मेरा कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मन ही नहीं किया। जब आप जानते जे जब आप ऑनर्स पर रहते हैं तो ऑनर्स में आपका पूरा जो ऑनर्स लेते हैं वहीं सब्जेक्ट्स हो जाता है, तो मुझे मन नहीं करता था, दिल से मन नहीं करता था जब मैं ऑनर्स करूं। मुझे SSC पे मेरा पूरा ध्यान था, हमने बहुत बार MTS निकाला है, CHSL निकाले हैं हम, लेकिन फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं था तो हम इसको ज्वाइन कर लिए थे। तो बस यही है। और तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है, हम छोड़ दिए, बोले यार मेरा SSC में हो जाएगा, रेलवे में हो जाएगा, तो हम छोड़ दिए।
और मेरा जो मैं थी ना पढ़ाई पे ज़्यादा मेरा मन लगता था, पढ़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो हम पढ़ाते बहुत ज़्यादा थे, 11-11 होम ट्यूशन पढ़ाते थे हम, ठीक है। जिसकी वजह से हम अपना इधर मतलब अपने ग्रेजुएशन छोड़ दिए। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद हमने बहुत सारे लोग हमको सजेस्ट किए जो नहीं सर आप क्या बोलते ग्रेजुएशन कर लीजिए। तो हमने इग्नू से अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स के कर रहे हैं, अगले साल फाइनल हो जाएगा, तब हम BBSC में बैठ जाएंगे, ठीक है। तो बस यही है, वेट कर रहे हैं आप सबका, सब चीज़ का जवाब मिलेगा जब एक बड़े अधिकारी बन जाएंगे। तो क्योंकि अगर आप नॉलेजेबल पर्सन है, अगर आपका रैंक एक सिपाही का है, तो आपको ज़्यादा कोई महत्व नहीं मिलता है, ठीक है। तो यही है और बस, और मेन एम तो BBSC है, DSP बनना है, ठीक है। वर्दी से तो प्यार ही नहीं है, तो वर्दी वाला ही जॉब लेंगे। BPSC में अच्छा रैंक, अच्छा खासा रैंक आ जाएगा तो DSP वगैरह मिल जाएगा। DSP या SDMS, DM बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा पोस्ट है, DSP बहुत अच्छा पोस्ट है। तो बस यही है। और हमें लगता है जो मनोरंजन जो थे उनका आंसर मिल गया होगा, जो भाई कोई सेटिंग वगैरह नहीं होता है, बस फर्क इतना होता है अगर क्वेश्चन आउट होता है तो, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। और उसमें बहुत सारे बच्चे तेज भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम भी, अपने मुँह से अपना बड़ाई नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछिएगा हम बता देंगे, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैथ साइंस ऑल सब्जेक्ट्स मेरा स्ट्रांग है। लेकिन एक जो होता है जिस पे आप मास्टर करके बैठते हैं, जैसे कि कंपटीशन का आप कोई भी मैथ का क्वेश्चन पूछिएगा हम बता देंगे ISC तक पूरा। तो इस तरह करके एक जो मेरा उपलब्धि है वो मैथ्स में है। तो यही है, अगर समराइज करके बोले तो भाई कोई सेटिंग नहीं होता है, सेटिंग होता है अगर आपको क्वेश्चन मिल जाता है तो वहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाता है, नहीं मिलता है तो नहीं होता है, ठीक है। तो बस यही है। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। देख रहे हैं माहौल यहाँ का कितना अच्छा है, बहुत मस्त माहौल है। और हम पेड़ के नीचे ही बैठे थे और बहुत अच्छा, मतलब पीछे का जो साइट है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सुगंधित हवा मिल रहा है यहाँ पे। और ये शीशम वगैरह है इधर मेरे बैकग्राउंड में, इधर ये क्या बोलते हैं सैमल है। तो यही है। और ओके, थैंक यू एंड जय हिंद। प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है, हम यूट्यूब पर अपना नाम करना चाहते हैं, एक बड़े पोस्ट पे अधिकारी रहते हुए अपना नाम करना चाहते हैं। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।